नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं एजेंडा पोल कोल न्यूज। मैं हाशिम से एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि हाशिम के करीब एक दर्जन पार्षदों की गुप्त मीटिंग हुई है। आपको बता दें कि हाशिम के समाज से प्रसिद्ध उद्योगपति मदन मोहन सेठी की फैक्ट्री में रात्रि को ये एक दर्जन पार्षद इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्यों है इसको लेकर भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये तय है कि मदन सेठी की फैक्ट्री में ये पार्षद इकट्ठे हुए हैं। आपको यही बता दें कि मदन मोहन सेठी हाशिम नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव लड़ने के इच्छुक है। उन पर लोगों का भारी दबाव बढ़ता जा रहा है और वे भी अब कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। आपको एक बात और बता देते हैं कि नगर परिषद की हाउस की मीटिंग होनी है और उससे पहले इन पार्षदों का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं राजनीतिक में एक नया मोड़ ला सकता है। आपको फिर बता दें कि रात्रि को जो मीटिंग हुई है उसमें एक दर्जन के करीब नगर के पार्षद थे, जो मौजूदा पार्षद है वे वहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारे पास ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, और आपको ये बता दें कि पुख्ता सबूत है मीटिंग के, पुख्ता सबूत है मीटिंग हुई है और 12 के करीब पार्षद वहाँ इकट्ठे हुए हैं और वहाँ समाजसेवी उद्योगपति मदन मोहन सेठी के साथ उन्होंने मीटिंग की है। क्या मीटिंग हुई है ये खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन मीटिंग जरूर हुई है। देखते रहिए एजेंडा पोल कोल न्यूज, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार शेयर करते रहेंगे। हम आपको दे रहे हैं खबर, हाशिम में शिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ शिव दर्शन भवन काली देवी रोड पर मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हाशिम से विधायक विनोद भैना पहुंचे। समारोह की अध्यक्षता वर्मा कुमारी विश्वविद्यालय की निदेशक हाशिम से बी के लक्ष्मी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में हाशिम से एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत पहुंचे। समारोह में हाशिम नगर परिषद की चेयरपर्सन निर्मला सैनी, चेयरमैन प्रतिनिधि विनेश सैनी, समाज सेवी सेठ व उद्योगपति मदन मोहन सेठी, समाज सेवी संजय सिंगला, भाजपा के नेता अशोक कनौजिया, नगर पार्षद अशोक ढालिया सहित कई लोगों ने समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हाशिम से विधायक विनोद भैना ने क्या कहा, देखिए वीडियो। जो यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच पहुँचे हैं, हमारी संस्था का इतना सम्मान दिया है, उसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्पेशल हमारी लक्ष्मी दीदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम स्त्रियों को इतनी अच्छी प्रेरणा दी, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको महाशिवरात्रि और पुनः देवी हार्दिक शुभकामनाएं। झूठ से, प्रेम से, स्वार्थ से निकल करके पुण्य कर्म की तरफ लगे, क्योंकि आज हम समझ रहे हैं कि आज के इस भागदौड़ की दुनिया में इंसान इतना व्यस्त है कि उसे अपनी ही खबर नहीं कि आप कर क्या रहे हो। सारा दिन थका हारा शाम को आता है, फिर कोई ना कोई टेंशन, हर व्यक्ति आज टेंशन में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। और मैं समझता हूं ये ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहां से हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। यहां अभी परमपूज्य बहन जी ने बताया कि मेडिटेशन कैंप लगाया जा रहा है, राजयोग किया जाएगा, उससे हमें तनाव से मुक्ति मिलेगी। देखिए ये समाज को सुधारने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम इनकी बातों का पालन करें ना करें। हम तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो हमें यहां आना चाहिए, हमें इनके विचार सुनने चाहिए और हमें इनके विचार अपने जीवन में ढालने चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए। मगर हम तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात में लगे हुए हैं कि पैसा इकट्ठा कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे हो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन